वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो आज के क्लास में हम पाइथन के कुछ एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हमने जितने भी पाइथन के चैप्टर्स कवर किए हैं उनके बेसिस पे हम यहाँ पे एमसीक्यूज को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर है कि हु डेवलप द पाइथन लैंग्वेज। अब पाइथन लैंग्वेज किसने डेवलप की थी, काफी ईजी सा क्वेश्चन है, आपको पता है कौन है यहाँ पे। गुइडो वॉन रोसम क्या रहेगा, इसका आंसर करेक्ट रहेगा। व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, नन ऑफ द अबो। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो आपका क्या रहेगा, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन विच ईयर वॉज द पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड, 1995, 1972, 1981 या 1989। पाइथन लैंग्वेज कब डेवलप की गई थी, गुइडो वॉन रोसम ने पाइथन लैंग्वेज को कब डेवलप किया था, 1989 में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन, इंग्लिश, पीएचपी, सी या ऑल ऑफ द अबो। देखो, पाइथन लैंग्वेज जावा में भी लिखी गई है, पाइथन लैंग्वेज सी शार्प में भी है, सी लैंग्वेज में भी है, सी प्लस प्लस में भी है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी लैंग्वेज। और जो पाइथन सी लैंग्वेज में लिखी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सी पाइथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सी पाइथन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल, डॉट पी वाई, डॉट पाइथन, डॉट पी या नन ऑफ दिस, तो डॉट पी वाई। इन विच ईयर वॉज द पाइथन 2.0 वर्जन डेवलप्ड, अब पाइथन का सेकेंड वर्जन कब आया था, 16 अक्टूबर 2000, 16 अक्टूबर 2001, 16 अक्टूबर 2002 या 16 अक्टूबर 2003 कब आया था, तो 16 अक्टूबर 2000 में पाइथन का सेकेंड वर्जन आया था, 16 अक्टूबर 2000। इन विच ईयर वॉज द पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप्ड, अब पाइथन का थर्ड वर्जन कब आया था, 3 दिसंबर 2008, 3 दिसंबर 2000, 3 दिसंबर 2010 या 3 दिसंबर 2005। तो पाइथन का जो थर्ड वर्जन है वो आया था आपका 3 दिसंबर 2008, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट डज द नेम पाइथन सिग्निफाई, अब पाइथन का क्या मतलब है। It is a snake. It is very difficult to use. Named after the British comedy group Monty Python. All of the above. तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पाइथन का करेक्ट मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जो गुइडो वॉन रोसम ने है, वॉन रोसम, उन्होंने किसके नाम के ऊपर पाइथन नाम रखा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा, ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मॉन्टी पाइथन, इनका एक सर्कस है, ठीक है, और इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने क्या रखा है, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा है। व्हाट आर द पीपल हु स्पेशलाइज इन पाइथन कॉल्ड, पाइथोनिक, अनपाइथोनिक, मॉन्टी पाइथन या पाइथोनिस्टस। तो जो पाइथन में स्पेशलाइज करते हैं उन लोगों को कहा जाता है पाइथोनिस्टस। What is the type of programming language supported by Python? Object oriented, functional programming, structured programming या all of the above? तो all of the above। ये तीनों paradigm क्या है आपकी Python language support करती है। What is the maximum possible length of an identifier? 16, 32, 64 या none of these? तो identifier की कोई भी length हो सकती है, unlimited length है, ऐसी कोई particular length इसकी specify नहीं की गई है, तो none of these। What do we use to define a block of code in Python language? एक Python language में आपको एक particular block को define करना है, तो उसके लिए आप क्या use करते हो? Options देखिए, key, brackets, indentation या none of these, तो इसके लिए हम indentation use करते हैं। Which character is used in Python to make a single line comment? Slash, double slash, hash या फिr exclamation mark? तो यहाँ पे आपका सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है ऑप्शन सी, हैश, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए भी आपका हैश ही यूज होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस हमने हमारी थ्योरी क्लास में कवर किए है ना, जो अभी तक हमने अपने चैप्टर्स कवर किए हैं उन सभी चैप्टर्स में हमने इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, और आपसे अभी ये क्वेश्चन बन भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार क्लास देख लेना, अगर आपको एमसीक्यूज में डाउट चल रहा है तो एक बार उनसे रिलेटेड क्लास देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन,
क्लासेस आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज वाइल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रियल. ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज वाइल क्लासेस आर नॉट रियल. बोथ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज ऑल ऑफ द अबोव. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है, जबकि क्लासेस क्या होती है, वो रियल नहीं होती. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल्स टू टू, ये करेक्ट है. टू अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, ये भी करेक्ट है. अंडरस्कोर एक्स वाई जेड अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू फाइव, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो आपके पाइथन के वेरिएबल है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं, अंडरस्कोर पे एंड हो सकते हैं, तो इसीलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. तो ऑप्शन यहाँ पे डी नन ऑफ दीज रहेगा. When Python is dealing with identifiers, is it case sensitive? तो जो Python में identifiers होते हैं क्या वो case sensitive होते हैं? Yes, no, machine dependent या can't say. तो वो case sensitive होते हैं, ठीक है? All the keywords in Python are in lower case, upper case, capitalized या none of the above. Python के अंदर जो keywords होते हैं वो generally आपके lower case में होते हैं, लेकिन except three. वो three कौन से हैं? True, None और False. तो यहाँ पे इन तीनों का क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होता है और इन तीन के अलावा बाकी सभी कीवर्ड्स आपके लोअर केस में होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव हमारा आंसर रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन आईडी इन पाइथन. अब मैंने आपको आईडी फंक्शन के बारे में बताया था, आईडी फंक्शन का क्या काम है. एवरी ऑब्जेक्ट डजंट हैव ए यूनिक आईडी इन पाइथन. The ID function in Python returns the identity of an object, none या all. तो जो आपका ID function होता है वो आपके variable की क्या बताता है, identity बताता है, उसका address बताता है. तो option B आपका यहाँ पे correct answer है. Why does the name of local variables start with an underscore disgraced? मतलब local variables जो होते हैं हम उनको underscore से भी start कर सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्कोर से स्टार्ट करने को डिस्क्रेज क्यों किया गया है, इसको इतना बढ़ावा क्यों नहीं मिला. टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इट कंफ्यूजेस द इंटरप्रेटर, इट इंडिकेट्स अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ ए क्लास और नन ऑफ दीज. तो देखिए जनरली पाइथन में ऐसा कोई प्राइवेट वेरिएबल नहीं होता, लेकिन फिर भी अंडरस्कोर से हम क्या करते हैं, जो क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं ना उनको इंडिकेट करते हैं. तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, एंड इसी की वजह से क्या है, लोकल वेरिएबल्स को क्या किया गया है, अंडरस्कोर से स्टार्ट करने पे उनको बढ़ावा नहीं मिला. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन लैंग्वेज. ऑल वेरिएबल नेम्स मस्ट बिगिन विद एन अंडरस्कोर. अनलिमिटेड लेंथ, द वेरिएबल नेम लेंथ इज ए मैक्सिमम ऑफ टू या ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल नेम्स होते हैं वो क्या है आपके, अनलिमिटेड लेंथ के होते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे अंडरस्कोर वाली लाइन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे मस्ट लिख दिया है, मस्ट नहीं है, स्टार्ट हो सकते हैं लेकिन मस्ट का यहाँ पे लिखना ये गलत रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज. तो यहाँ पे देखिए आपकी कौन सी डिक्लेरेशन गलत है. एक्स वाई जेड पी, ये पूरा एक वेरिएबल है, इसको एक वैल्यू दे दी, ये ठीक है, एक्स वाई जेड पी. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल्स का नेम होता है उसमें वाइट स्पेस अलाउड नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, एंड ये क्या है आपकी इनकरेक्ट डिक्लेरेशन है. बाकी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे चार वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है एंड यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज किया गया है, तो एक ही वेरिएबल माना जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी ए वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज. अंडरस्कोर वेल, वेल ट्राई अंडरस्कोर. तो यहाँ पे देखिए जो ट्राई है वो क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसीलिए इसको हम वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पावर ए बी. अब यहाँ पे जो पावर है, आप पावर को किस ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये चार आपके पास ऑप्शन है. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा, ए एक्सपोनेंशियल बी. इसी तरह से निकालते हैं और पावर भी इसी तरह से निकलती है, तो ये हमारा क्या है, पावर फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑर्डर इज करेक्ट इन पाइथन. तो यहाँ पे देखिए आपको ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस बतानी है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका पैरेंथेसिस,
फिर आता है आपका एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिविजन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन. तो ऑप्शन ए ही करेक्ट रहेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रिसिडेंस लेवल? अब सेम प्रिसिडेंस लेवल किसका होता है? तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का होता है, प्लस और माइनस का होता है. तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी. तो डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन में पहले किसको सॉल्व करेंगे हम? मल्टीप्लीकेशन को. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, प्लस बी सी दूसरी स्ट्रिंग है. आपका आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी सी, ए बी सी, ए स्पेस बी सी या ए. तो यहाँ पे जो ये प्लस है वो कनकैटिनेशन ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है. तो इसका मतलब ये दोनों स्ट्रिंग को क्या कर देगा? ऐड कर देगा. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका? ए बी सी. स्टडी द फॉलोइंग कोड. प्रिंट आर डबल कोट स्लैश एन सिंपली स्लैश एन स्टडीज डबल कोट क्लोज. तो यहाँ पे आपकी आउटपुट क्या आएगी? आपके पास ऑप्शन है स्लैश एन सिंपली स्लैश एन स्टडीज, सिंपली स्टडीज, सिंपली स्टडीज, या प्रिंट द लेटर आर एंड देन सिंपली एंड देन स्टडीज. तो देखिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है. आर का मतलब क्या है कि इसके सामने क्या है? ये एक रो स्ट्रिंग है. तो ये एज इट इज इसको इसी तरह से प्रिंट कर देगा. आर हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि आपके स्लैश के बाद जो भी कैरेक्टर है ना, ये वैसे तो न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए यूज होता है, लेकिन स्टार्टिंग में आर लगाया गया है तो ये इसको न्यू लाइन कैरेक्टर की तरह यूज नहीं करेगा, ये इसको सिंपली एक स्ट्रिंग की तरह यूज करेगा. तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखिए प्रिंट 0xA प्लस 0xB प्लस 0xC क्या प्रिंट होके आएगा यहाँ पे? देखो 33, 63, 0xA प्लस 0xB प्लस 0xC नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए को क्या लिखते हैं हम 10, बी को क्या लिखते हैं 11 एंड सी को क्या लिखते हैं 12. प्लस कर लीजिए कितना आएगा 33. हेक्साडेसिमल में हम ए बी सी को क्या लिखते हैं 10, 11, 12. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. प्रिंट ओ आर डी एच माइनस ओ आर डी जेड. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो यहाँ पे मैंने इसके आउटपुट लिख के दिखाई है आपको जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो. तो यहाँ पे 104 क्या है? ओ आर डी एक टाइप कन्वर्जन फंक्शन है, ये हमने टाइप कन्वर्जन फंक्शन में देखा था. तो यहाँ पे H का नंबर क्या होता है? H का ASCII कोड होता है आपका 104 एंड स्मॉल Z का ASCII कोड होता है 122. तो 104 माइनस 122 क्या आ जाएगा आपका? माइनस 18 आ जाएगा. ठीक है, A का क्या होता है? 97. Which of the following option is not a core data type in the Python language? Dictionary, list, class, all of the above. तो यहाँ पे देखिए class एक core data type नहीं है, ये एक user defined data type है. Which of the following data type is shown below? यहाँ पे देखिए ये कौन सा data type है? Dictionary, tuple, list या stack? तो L एक variable हो गया यहाँ पे. Square, large brackets use हुई है, तो मतलब कि ये क्या है? एक list है. What happens when 2 is equals to equals to 2 is executed? यहाँ पे ये क्या है? 2 एक string है and यहाँ पे 2 क्या है? एक integer है. तो क्या string integer के equal हो सकती है? नहीं हो सकती. तो answer क्या आएगा? False आएगा. Option A हमारा answer हो जाएगा. Study the following statement. Z is equals to curly brackets x colon 0 y colon 1. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है? एक डिक्शनरी को क्रिएट किया गया है. तो मतलब Z क्या है? यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट हुई है. ठीक है, X की जो डिक्शनरी Z इज क्रिएटेड हियर. अब Y की डिक्शनरी भी यहाँ पे Z ही है. उसके बाद X और Y क्या है? यहाँ पे की है डिक्शनरी Z के. उसके अलावा 0 और 1 क्या है? यहाँ पे वैल्यूज है. तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है. ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा. स्टडी दी फॉलोइंग प्रोग्राम. अब यहाँ पे देखो तीन प्रिंट यहाँ पे यूज हुए हैं. तीन बार प्रिंट फंक्शन को हमने यूज किया गया है और उसमें लास्ट में आपने क्या प्रिंट किया है? यहाँ पे पाइथन को प्रिंट किया है. तो क्या आपको आउटपुट मिलेगी? तो सबसे पहले देखो इन तीन प्रिंट फंक्शन में जो सबसे इनर वाला प्रिंट है ना वो एग्जीक्यूट होगा. तो मतलब इसने क्या कर दिया? एग्जीक्यूट पाइथन. तो पाइथन प्रिंट होके आएगा. उसके बाद ये सेकेंड नन को प्रिंट करेगा, ये थर्ड वाला भी नन को प्रिंट करेगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाइथन नन और नन. स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम. प्रिंट ट्रू एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर फॉल्स डिवाइडेड बाय ट्रू. इसकी आउटपुट बतानी है. तो इनको जीरो एंड वन से रिप्लेस कर दीजिए. ट्रू का मतलब होता है वन, फॉल्स का मतलब जीरो, ट्रू का मतलब वन. एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर और
डिवाइडेड में किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, किसकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसका हाईएस्ट है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो 1 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 को किससे डिवाइड कर दिया हमने, 1 से डिवाइड कर दिया, क्या आंसर आएगा आपका 1, तो मतलब 1.0 ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, प्रिंट 6 + 5 - 4 मल्टीप्लाई 3/2 मॉड्यूलस 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है आपको, यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए ऑपरेटर प्रिसिडेंस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व क्या होगा, पैरेंथेसिस, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका सॉल्व किसकी आती है, एक्सपोनेंशियल की, वो यहाँ पे है नहीं। थर्ड आती है आपकी मल्टीप्लीकेशन और डिविजन की। तो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे कितना हो गया आपका 12 हो गया, फिर डिविजन को करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका मॉड्यूलस आएगा, तो 6 मॉड्यूलस 1 कितना हो जाएगा, 6 मॉड्यूलस 1 आपका 6 आएगा यहाँ पे। सिक्स मॉड्यूलस वन कितना होगा आपका 0 आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या आपका 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। तो आंसर देख लीजिए 11.0। स्टडी दी फॉलोइंग प्रोग्राम, इंट 1 इज इक्वल टू 0B0010 प्रिंट इंट 1। तो 0B मतलब ये क्या है, एक बाइनरी वैल्यू है, प्रिंट करवाना है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी। स्टडी दी फॉलोइंग प्रोग्राम, वर्ड इज इक्वल्स टू पाइथन प्रिंट स्टार वर्ड, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, पाइथन या फिर इस तरह से पाइथन लिखेगा बीच में स्पेस देखे, या स्टार पाइथन या सिंटैक्स एरर। तो ध्यान रखना जब भी आप प्रिंट करवा रहे हो और यहाँ पे अगर आपने वेरिएबल से पहले स्टार को यूज किया है तो ये आपकी स्ट्रिंग में एक एक स्पेस ऐड कर देगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। स्टडी दी फॉलोइंग प्रोग्राम, आई इज इक्वल टू 2, 10 जे इज इक्वल टू 3, 5 एड इज इक्वल टू आई प्लस जे और प्रिंट एड, तो वट विल बी दी आउटपुट। तो ध्यान दो एक बार, यहाँ से ध्यान से देखो कि आई इज इक्वल टू 2, 10, तो ये एक टपल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, एंड ये भी क्या हुआ, एक टपल क्रिएट हुआ है, मतलब यहाँ पे आप पैरेंथेसिस भी लगा सकते हो, ठीक है। एड करेगा आई प्लस जे, तो ये पैरेंथेसिस के बाद एड हो जाएगा, तो क्या आपकी आउटपुट आएगी 2, 10, 3, 5, ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा, क्योंकि ये टपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी दी फॉलोइंग प्रोग्राम, प्रिंट इंट 6 = 6.0*3+4 modulus 5। तो यहाँ देखिए वट विल बी द आउटपुट, 6 = 6.0, तो ये बात करेक्ट है, तो मतलब ये क्या हो गया ट्रू हो गया, मतलब ये ट्रू का मतलब क्या हो गया 1 है, ठीक है, क्योंकि इसको इंट में कन्वर्ट करना था, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद 1.0 नहीं होगा, 1 होगा, ध्यान रखना इंट टाइप कन्वर्जन फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है, इसीलिए हम इसको 1 लिख रहे हैं। तो 1*3+4 modulus 5। अब इनमें सबसे पहले किसका होगा मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी आ गई 3 आ गई, 3+4 modulus 5। अब इन दोनों में किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस की है, 4 modulus 5 कितना आएगा रिमाइंडर 4 आएगा, तो 3+4 कितना आंसर हो गया 7, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। आपको ऑपरेटर प्रिसिडेंस जरूर पता होनी चाहिए, हमने ऑपरेटर प्रिसिडेंस को ऑपरेटर वाले चैप्टर में कवर किया था। हाउ मैनी कीवर्ड्स प्रेजेंट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3.12 वर्जन, देखिए बात हो रही है 3.12 वर्जन, तो यहाँ पे अगर आप 3.12 वर्जन की बात करो तो आपके टोटल 36 कीवर्ड है। 3.11 वर्जन की अगर बात करोगे तो आपको 35 कीवर्ड शो होंगे, एंड इससे पहले आपको 33 यहाँ पे कीवर्ड शो होते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग्स इन पाइथन, प्लस स्टार माइनस ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर को स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं कर सकते, तो प्लस को आप यूज कर सकते हो, एज ए कंकैटिनेशन भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार को आप रिपीटेशन में यूज कर सकते हो, माइनस को हम स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, प्रिंट हेलो, यहाँ पे चैल शाह, यहाँ पे भी सिंगल कोट्स लगे हुए हैं, ठीक है, मिसिंग है यहाँ पे, सेपरेटर इज इक्वल्स टू 2, वट विल बी दी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम।
तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जब हम यहाँ पे कंसोल इनपुट एंड आउटपुट के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रिंट जो फंक्शन है उसमें बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें होती है, बाय डिफॉल्ट उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। तो उन्हीं में से आपका एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे सेपरेटर, एंड सेपरेटर की बाय डिफॉल्ट आप पे वैल्यू होती है आपकी एक एम्प्टी स्पेस, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है, यहाँ पे गिवन है 2। तो इसका मतलब यहाँ पे हेलो और चेल्शा में सेपरेटर क्या यूज हो रहा है, एज 2 यूज होगा। अब आउटपुट क्या आएगी, हेलो चेल्शा 2, हेलो 2 चेल्शा, हेलो चेल्शा 2 या 2 हेलो चेल्शा। तो ये सेपरेटर यूज हुआ है, तो मतलब हेलो और चेल्शा को कौन सेपरेट करेगा, 2 सेपरेट करेगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी दी फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट इट्स ओके कोमा डोंट वरी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे स्लैश यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, देखो मतलब एक ये यहाँ से यहाँ तक का है और दूसरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है। तो दो बार यहाँ पे सिंगल कोट्स को इस तरह से यूज किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक बैक स्लैश यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, तो ध्यान देना यहाँ पे बैक स्लैश यूज हुआ है ना, इसीलिए इसका इस पे कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। ये क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस है। तो यहाँ पे बैक स्लैश यूज हुआ है तो भी आपकी आउटपुट क्या प्रिंट होगी, इट्स ओके डोंट वरी। ऑप्शन ए ही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। स्टडी दी फॉलोइंग प्रोग्राम अंडर स्कोर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 प्रिंट अंडर स्कोर, वट विल बी दी आउटपुट, सिंटेक्स एरर ई ओ एल वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल सिंटेक्स एरर इनवैलिड सिंटेक्स नेम एरर या 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है अंडरस्कोर, ये क्या है, ये करेक्ट है। वेरिएबल को आप एक अंडरस्कोर से क्रिएट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे आप अंडरस्कोर को जब प्रिंट करवाओगे तो ये प्रिंट ओके देगा 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पी वी एम इज ऑल्सो कोल्ड पाइथन इंटरप्रेटर पाइथन कंपाइलर पाइथन वोलेटाइल मशीन पोर्टेबल वर्चुअल मशीन। तो PVM है आपका पाइथन वर्चुअल मशीन, एंड इसको हम और क्या कहते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर भी कहते हैं। स्टडी दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन STR, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हुई है जिसमें हमने तीन वैल्यू दे दी, एंड ये तीन वैल्यू क्या है आपकी टपल्स की फॉर्म में है क्योंकि हमने पैरेंथेसिस को यूज किया है। तो व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज दिस एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग टाइप एरे लिस्ट लिस्ट ऑफ टपल्स या स्ट्रिंग लिस्ट। तो ये एक लिस्ट है जिसमें हमने टपल्स को एंटर करवाया है, तो इसीलिए हम इसको लिस्ट ऑफ टपल्स कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड रिगार्डिंग द वेरिएबल इन पाइथन, द वेरिएबल नेम कैन बिगिन विद अल्फाबेट, ये बात ट्रू है। द वेरिएबल नेम कैन बिगिन विद एन अंडरस्कोर, ये भी ट्रू है यहाँ पे। नेक्स्ट है द वेरिएबल नेम कैन बिगिन विद ए नंबर, ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड बाय फिलिंग द ब्लैंक एट फिलिंग द ब्लैंक इंटरप्रेटर कंपाइल टाइम रन टाइम इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर रन टाइम एंड कंपाइल टाइम रन टाइम। तो देखो जल्दबाजी में आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करके आओगे, आप करके आओगे यहाँ पे ऑप्शन ए। आप कहोगे कि सिंटैक्स एरर इंटरप्रेटर डिटेक्ट करता है और वो क्या है, कंपाइल टाइम एरर है, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझो, सिंटैक्स एरर मैंने आपको बताया था कि एक कंपाइल टाइम एरर है। कौन सा एरर है, एक कंपाइल टाइम एरर है, लेकिन इसको डिटेक्ट कौन करेगा, इंटरप्रेटर डिटेक्ट करेगा, ये बात करेक्ट है। कहाँ पर डिटेक्ट करेगा, तो वो रन टाइम पे इसको डिटेक्ट करेगा। कब डिटेक्ट करेगा, जब इंटरप्रेटर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहता है ना, तब वो क्या करेगा, स्टेटमेंट को रन करेगा, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे रन टाइम में ही उसको क्या मिलेगा, कोई भी अगर सिंटैक्स एरर मिल जाता है तो वो प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट नहीं करके देगा। तो ध्यान रखना इस बात का कि सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड बाय इंटरप्रेटर एट रन टाइम, ठीक है। ऑप्शन ए मत कर देना यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। What is the output of the following code? The print type 5/2, print type 5, floor division 2. तो यहाँ पे क्या इनकी आउटपुट रहेगी, तो देखो 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.5। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये डिवाइड जो है वो आपको इंटीजर वैल्यू देता है कि फ्लोट वैल्यू देता है। तो ऊपर भी ऐसा ये क्वेश्चन आया था, तो आप मैंने वहां पे भी आपको 1.0 शायद आंसर करेक्ट किया था, है ना। क्योंकि जो आपका डिविजन होता है ना वो रिजल्ट में एक फ्लोटिंग वैल्यू देता है, तो इसकी टाइप क्या हो गई, फ्लोट हो गई।
दूसरी साइड देखिए, 5 फ्लोर डिवीजन 2, इसके आंसर क्या आएगा? तो फ्लोर डिवीजन हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है एंड इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये क्या हो गया? इंट। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, फ्लोट एंड इंट। तो ये क्या थे? हमारे पाइथन के 50 एमसीक्यूज थे एंड ये 50 एमसीक्यूज अभी तक हमने पाइथन के जितने चैप्टर किए हैं उनमें उन चैप्टर्स को कवर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप स्टेटमेंट्स को। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। थैंक यू।